अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेरी गुड सनी मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज कुंभ डे के व्लॉग के अंदर हम आपको वेलकम करते हैं। गाइस, इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। आज का सिर्फ दिन था जो इस पूरे वक्त में हमने थोड़ा सा लेट गुजारा, और सुबह लेट उठे, 9 बजे हैं, और 9 बजे को भी हम ईरान के अंदर लेट कह रहे हैं, और पाकिस्तान वाले तो कहते हैं कि भाई क्या कर रहा है यार, सोने दे। तो गाइज रेडी हो चुके हैं, जस्ट शावर वावर लेके सब कुछ करके, क्लोथ्स जो थे, कपड़े थे, वो कपड़े धोने थे। तो कल ही रात को जो है सर्फ लिया, यहाँ पर ईरानी सर्फ है बहुत ज़बरदस्त, थोड़ा सा सर्फ डाले हमारे वहाँ पर पाकिस्तान में एक्सेल और जो एरियल होता है, और कौन सा होता है अदनान, एक्सेल और एरियल के अलावा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ब्रांड को ख़राब नहीं करेगी हम, बताओ कौन सा, एरियल, एरियल एक्सेल, बोनस? हाँ बोनस है। अदनान देखिए, अदनान आपने कभी धोबी की दुकान पे मेरे ख्याल में काम तो नहीं किया? इधर कैमरे में देखिए ज़रा सामने। एक दो बार किया, इसीलिए इसे सारे सर्फ कंपनीज के नाम पता है। तो गाइज जो वहाँ के सर्फ हैं, एरियल, एक्सेल, बोनस, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कंपनीज हैं। नो ऑफेंस टू एनी वन, बट स्टिल यहाँ ईरानी सर्फ क्या ही बात है, खुशबू उनकी हर चीज़, इसमें अलग से डिटर्जेंट या खुशबू डाली नहीं जाती, यहाँ पर उसी में खुशबू है, उसी में कपड़ों की धुलाई और ऐसी धुलाई और पिटाई है कि जरासीम का पता ही नहीं है, और ना दाग ना स्टेन्स कुछ भी नहीं। तो कपड़े धोए उसके बाद बाकी सारे मामला आपको पता है खुद ही करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ से गाइस जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करना है, अदनान भी रेडी हैं ये बैठे हुए। अदनान, हमारे सारे व्यूअर्स को आप हाय कर दें और सलाम भी कर दें। हाँ तो गाइज चलते हैं, आज कैजुअल डे है, आज चलना है। कल जैसे आपने देखा कल के व्लॉग में कि जॉर्जिया एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिटेड है, होपफुली 7-8 दिन में एम्बेसी से ईमेल आ जाएगी, जो भी उनका डिसीजन होगा वो आप लोग को हम बताएंगे। और गाइज आज चल के नाश्ता करते हैं, और आज का पूरा दिन अब डिसाइड करेंगे कि आज के व्लॉग में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करें। हमारे हाशिम चचा जो हैं, जो कराची से थे हमारे साथ ही, आज उनका वेट है, वो अभी तहरान से स्पेशली हमारे लिए कुंभ सिटी आ रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे का रास्ता होता है तहरान से, वो बस में आ रहे हैं, तो उनको 2 घंटे से थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है। तो हाशिम चचा, वी आर वेटिंग फॉर यू। तो अदनान चलें फिर, चल के नाश्ता करते हैं, और गाइज और आगे का पूरे दिन का अहवाल जो है वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। सो गाइज नाश्ता आ चुका है, और गाइज ये चन्नों के ऊपर ही चिकन कोरमा मिक्स ग्रेवी है, साथ में ये ईरानी पराठे देखें, साथ में ये हाफ फ्राई अंडे देखें आप, और ये हमारे साजिद भाई, हमारे हर दिल अजीज साजिद भाई, पानी की छोटी बॉटल भी ले आए, और चाय जो है वो गर्मा गर्म। वदनान क्या हाल है? आंखें अभी भी आपकी बंद है चीनियों की तरह? हाँ नॉर्मल। गाइस आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता आ चुका है, नाश्ता करते हैं, और उसके बाद आज जाएंगे खत करवाने। हैं क्या है खत करवाना है, बढ़ चुकी है, थोड़ी सी सेटिंग करवानी है वीडियोज़ की, उसका भी आपको रिव्यू देते हैं कि यहाँ के सैलून्स कैसे होते हैं, ख़ासतौर पर हमारे जो बार्बर भाई हैं, नाई भाई हैं, वहाँ पर सैलून मिले उनको एक टच मिल जाएगा कि ईरान के अंदर सैलून्स का क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरीके से यहाँ पर कटिंग होती है और क्या। तो उसे भी आज इंशाल्लाह कवर करेंगे इस ब्लॉग में, कैजुअल ब्लॉग ही है, बाकी आशिम चाचा का इंतज़ार है, और नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद गाइस देखें हमारे साथ कौन आया है। हाशिम चचा जो है वो माशाल्लाह से कुंभ पहुंच गए तहरान से, और ये स्पेशली वहाँ से ट्रेवल करके सिर्फ हमारे लिए आए। अदान कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, हाशिम चचा से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। चाबार में हुई थी मुलाकात, चाबार के बाद आज जो है 4-5 दिन के बाद जो है आज जो है। तो गाइस सबसे ज़्यादा हमने जिनका वेट था वो हाशिम चचा थे, हाशिम चचा का वेट था, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ही हमारे पास पहुंच गए हैं यहाँ पे। और माशाल्लाह आज देखें, आपने पहले भी इनको देखा था शलवार कमीज़ में, आज ये वो हाशिम चचा लग ही नहीं रहे, और माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। अभी इन्होंने गाइस खाना खाया है, खाना खा के, और अब चाय आपके सामने ही है, इसी चक्कर में अल्लाह आप भी इसी चक्कर में चाय दोबारा आप पी रहे हैं, मेरी तरफ कर दी। हाँ ये बीच में रखा है आपने कि आधी आधी करेंगे। तो
गाइज बहुत खुशी है अब हाशिम चचा हमारे साथ ब्लॉग में ही होंगे और अब प्लान करते हैं कि सामने बीबी फातिमा मासूमा के मज़ार पे जाके, क्योंकि मज़ार बहुत बड़ा है गाइज, बहुत बड़ा मज़ार है, तो वहाँ पे कौन से दरवाजे से जाने हैं, कहाँ से आने हैं, कहाँ पर वीडियो अलाउ है, कहाँ नहीं है, कहाँ पर किस तरीके से क्या करना है। हाशिम चचा माशाल्लाह 30 साल इनको हो गए, इनका इंट्रोडक्शन ये कि ये पाकिस्तान बेसिकली इनका जो शहर है गाँव है वो शाह हकीक है, तो शाह हकीक को कौन नहीं जानता पूरे पाकिस्तान में, ये वहाँ के लोकल है, मकामी है, और ये बाईकास्ट जो है वो सिंधी हैं, हमारे प्यारे सिंधी भाई, और ये जो है 20 साल से यहाँ पर बिजनेस करते हैं, इनका कपड़े का काम है, यहाँ से तहरान पूरे ईरान में जो है ये कपड़ा सप्लाई करते हैं, वहाँ से लाते हैं यहाँ पर, वो बिज़नेस वीज़े पर हैं, यहाँ आते जाते अकामत है इनकी, तो ये फारसी में इनका हूर है, बलोची में जो इनका हूर है, और माशाल्लाह से ये बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो अब इनके एक्सपीरियंस से इनका तजर्बे का हम ज़रूर मैक्सिमम जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। और गाइस ये अब आपको हमारे साथ इंशाल्लाह ब्लॉग्स में ही मिलेंगे, बेसिकली ये यहाँ पर हर दिन नहीं रुकेंगे, इनको जाना भी पड़ेगा, बट ये हमारी खातिर स्पेशली जो है। चाचा क्या कहेंगे आप, कैसा लगा मिलकर हमसे? अच्छा लगा, बहुत प्यारा बेटा है। अच्छा, चाचा ने हमें बेटा बनाया है, अदान को भी बेटा बनाया है, अदान बेटा बनाया है ना आपको? चाचा ने बोले ही नहीं। चाचा इनको बेटा बनाया है। हाँ बिल्कुल बेटा बनाया है। तो गाइस तो ये है कि बड़ों की सरपरस्ती सर पर होती है, तो किसी चीज़ का कोई गम नहीं होता, तो अभी हमारे साथ ही होंगे। सो गाइस अदान और मैं अब जा रहे हैं बियर्ड ट्रिम करवाने के लिए। आज का पूरा दिन जो है वो हमने हाशिम भाई के नाम किया, और रूम में ही हमारे साथ थे 3 घंटे की बहुत बड़ी मीटिंग चली है, कुछ और मेहमान आ गए थे हमारे साथ ही यहाँ पर कोम में आए थे, और वो तहरान से सिर्फ मिलने के लिए हमसे वापस आए थे, और गाइस उनके साथ ही आज तकरीबन 4-5 घंटे की अदान मीटिंग हुई, 5 घंटे की मीटिंग हुई, कुछ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के सिलसिले मीटिंग हुई, वीज़ा प्रोसेसिंग के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में, तो काफ़ी सारे मामला थे जो देखे, और जस्ट अभी फ्री हुए, अब चलते हैं चल के बियर्ड ट्रिमिंग करवाते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या होता है। तो ये हेयर कट है जो मैंने आपको बताया था, पेरापेश एरिच सैलून हेयर कट, और अब चलते हैं चल के बियर्ड ट्रिम करवानी है। इतने तो बुरे नहीं लग रहे, बट फिर भी ट्रिमिंग जो है वो ज़रूरी है, और अदान जो है वो अंदर जा चुके हैं, चल के ट्रिम करवाते हैं। मेहमानों ने बहुत ज़्यादा देर वो बैठे थे, और कुछ बिजनेस मीटिंग थी गाइस ट्रैवल एंड टूरिज़म के लिहाज से, क्योंकि तहरान के अंदर हमने ईरान में अपना सब ऑफिस बनाना है, देसी ट्रैवल एंड टूर्स कंसल्टेंट का ऑफिस बनाने, उसी सिलसिले में लॉयर भी थे वो भी आए हुए थे, तो इसलिए 4-5 घंटे वहाँ लग गए। क्या हाल है अली भाई? ठीक ठाक है। सो लुक्स हु वी फाउंड, अली भाई ट्रिमिंग करवा रहे हैं, हेयर कटिंग करवा रहे हैं, उसके बाद ट्रिमिंग भी करेंगे, आई थिंक खत बनवाएंगे। सो गाइज दिस इज़ द गाय एक्चुअली दैट डे वी हैव मेट इन द नाइट व्हेन वी वर जस्ट ऑन वॉक थ्रू टू द कुंभ, और यहाँ पर शॉप पर होते हैं ये अली भाई। अभी ये जब अपने ये से बाहर आएंगे तो फिर आप इन्हें पहचानेंगे, इनका इंट्रोडक्शन नेटली जो है वो देना था, बट यहीं पर इत्तफाकिया हुआ सैलून में। और भाई आपका नाम? शुभना मिस्त इमरान। ये इमरान भाई हैं हमारे, पाकिस्तान से ही हैं ये भी, और पहले यहाँ पर थे ईरानी जो है वो भी दिन के टाइम होते हैं, बट इस वक्त ये हैं, तो अब चलते हैं चल के हेयर कट करवाते हैं। और नहीं अदनान आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं? इसलिए खुश हो रहे हैं गाइस, ये सैलून है यहाँ पर ईरान में, इस तरह के सैलून होते हैं, आप देख लें, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही सिंपल सिटी से यहाँ पर सब कुछ, जैसे कि मैंने आपको दिन को बताया था कि आपको रिव्यू करवाएंगे सैलून का, ऊपर हसन भाई का रेस्टोरेंट और नीचे जो है ये सैलून है, सामने ब्लैंकेट और एसेसरीज की शॉप है जो आपको दिखाई थी, इस तरह के मिरर होते हैं जो डिफाइंड मिरर, और बिल्कुल सिंपल सिटी में, सिंपल एज इट इज़। यहाँ पर अभी अदनान भाई जो है वो अपना ख़त बनवाएंगे, और अपना ही बनवाएंगे ना आप? जी हाँ। और गाइज मैंने भी ख़त बनाना है, और फिर उसके बाद आपसे आगे का अहवाल आपको सुनाते हैं। अच्छा।
जबरदस्त काम किया है भाई ने, आप देख लें और विद इन 5 मिनट्स जो है सब कुछ सेट कर दिया। क्यों इतनी हंसी आ रही है आपको? गाइस ये जो हलवे की प्लेट्स आप देख रहे हैं, ये रानी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हलवा है यहाँ का। और ये आप चिकन कोरमे की प्लेट देख रहे हैं और ये चने। एक्चुअल में आज हम शेव करवा के जब वापस आए तो यहाँ पर खाना जो हसन रज़ा भाई के रेस्टोरेंट पे रज़ा भाई के ख़त्म हो चुका था और बहुत ज़्यादा रश थी, आज काफ़िले भी बहुत ज़्यादा थे, दैट इज़ द रीज़न के खाना बिल्कुल नहीं था। बट जैसे ही साजिद ने हमें देखा, जो साजिद यहाँ पर वेटर की जॉब करते हैं, तो उन्होंने फ़ौरन जो है ये प्लेट जो है हमारे दूसरे भाई जो शेफ़ हैं उन्होंने अपने हिस्से की निकाल के रखी थी और उन्होंने वो प्लेट वापस भेजी कि आप लोग खाना खाइए भरी हुई प्लेट चिकन के साथ, जबकि सिर्फ चने रह गए थे यहाँ सालन में। बट ये उनकी मोहब्बत देखें, आप उनका प्यार और इखलास देखें कि उन्होंने ये प्लेट भेजी जो चिकन से भरी हुई थी। अब आधी हो गई है और अदनान शरीफ बन के बैठ गए क्योंकि अदनान ने बोटी तोड़ दी है, ये भरी हुई थी अभी, हमने खा ली है गाइस। और ये रोटियां बाहर से इन्होंने मंगवा के हमें दी, इनके पास नहीं थी। ये रायता सलाद और ये सब कुछ साजिद ने अरेंज किया, जो साजिद आपको वीडियोस में मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था उसका प्रीवियसली, वो जो लड़का सामने देखें वो साजिद जो हाथ हिला रहे, तो इसने जैसे ही हमें देखा, जैसे ही मुझे देखा, इसने अदनान को देखा, इसने फौरन जो है जाकर ये अपने खाने की उन्होंने प्लेट रिज़र्व में रखी थी और ये निकाल कर लेकर आए। और वो जो दूसरे शेफ हैं हमारे दूसरे भाई, आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस दुनिया में जो है वो इखलास और प्यार मोहब्बत जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। मैं दिखा के आता हूँ, अपने खाने का जो कोरमे की प्लेट थी जो इन्होंने अलग से निकाली हुई थी वो हमारे लिए भेज दी चिकन डाल के। तो इस दुनिया से इखलास प्यार और मोहब्बत जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। खाने के लिए सिर्फ चने बाकी रह गए थे, बट जैसे ही इन्होंने देखा, साजिद ने देखा, सो दिस गाय एक्चुअली जस्ट he got in hurry and he just arranged that and he was about to take his dinner, but इन्होंने वो वहाँ पर भिजवा दी हमारे पास। और ये प्यार इखलास मोहब्बत यहाँ, ये कोहाट से हैं, पाकिस्तान कोहाट से यहाँ ईरान में होते हैं, ये शेफ हैं यहाँ पे माशाल्लाह। इनके हाथ में जो चाय हमारे लिए, आप देख सकते हैं इनके हाथ में, ये यही बनाते हैं, सब कुछ यही करते हैं। तो स्पेशली मुझे ये बताना था आपको कि जो मोहब्बत इंसान प्यार और अमन की जो सूरत है वो ऐसे लोगों के अंदर होती है। तो भाई बहुत अच्छा लगा, हमारा ये अर्ज़ है कि सब मोहब्बत। तो इन्होंने अपने हिस्से का, हमारे लिए ऐसे दुनिया में कहीं नहीं होता, लोग ये चाहते तो ये रख देते, ये छुपा देते, पता भी नहीं चलता हमें, बट ये इनका प्यार और मोहब्बत है, ये हमारी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं हमसे। सो दैट इज़ द रीज़न के दिस इज़ अ गाय, ही इज़ अ जेम। गाइस ये है साजिद, साजिद ने जो है जाकर फौरन जो है सब कुछ अरेंज करवाया, खाना ख़त्म हो चुका था बट उन्होंने प्रॉम्प्टली जो है सब कुछ दोबारा किया। सो गाइस मैं आ गया हूँ और मैंने जाके उनकी उनसे मुलाकात की और उनको बहुत थैंक्स का। आपको इनके इस एक्ट ऑफ काइंडनेस का क्या महसूस हुआ? ऐसा लग रहा है कि जोर से मैं किसी और कंट्री में नहीं हूँ, अपने पाकिस्तान में नहीं हूँ, और इनका जो है बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ। शुक्रिया तो आपने चिकन पूरा खा के ही किया है। सो गाइस देखें, खत करवा लिया, अभी जाके शॉवर लेना है। आज का ब्लॉग जो है वो यहीं पर हम रैपअप करेंगे। द थिंग इज़ दिस के आई फील सो गुड, इट्स अ वेरी फील गुड फैक्टर के द पर्सन ही न्यू अस since a week, but still he shows the act of kindness and he's a gem. Or people like him wins the heart. So ये हम खाना खा रहे हैं, देखें और ये प्लेट्स में साजिद ने स्पेशली हमारे लिए ये ईरानी जो हलवा है ये रखा था। और
अब आपसे मिलेंगे कल के व्लॉग में गाइस, कुम डे फाइव के व्लॉग में कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे। आज का व्लॉग यहीं पर वैपअप करते हैं, खत करवा लिया अदनान ने और मैंने, और अब खाना खा के फिर हम चल जाएंगे और उसके बाद फिर एडिटिंग भी करनी है, बहुत सारा काम है, तो फिर कल आपसे मिलते हैं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।